बहुत बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण छोटे से गांव में रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। उसकी सुंदर पत्नी थी, होशियार बच्चे थे, उसके पास उपजाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे वो फसल लगा सकता था। लेकिन वो ब्राह्मण बहुत आलसी था और कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि वो अपना काम खुद करे। सुबह हो गई, उठ जाओ, क्या खेत पर नहीं जाना है? लेकिन ब्राह्मण उसकी बातों को हमेशा अनसुनी कर देता था। मैं, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण ने बहुत ही प्रेम और आदर से उनका स्वागत सत्कार किया। साधु ने खुश होकर ब्राह्मण से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे आदर सम्मान से बहुत खुश हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। आलसी ब्राह्मण ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो तुरंत बोला, हे महात्मा, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा एक आदमी जो मेरे सारे के सारे कामों को पूरा करे। और साधु मान गए। ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे व्यस्त रख सको। ब्राह्मण मान गया। और तभी एक बड़ा सा राक्षस ब्राह्मण के सामने आ गया। मालिक, मैं क्या करूं? ब्राह्मण सोचने लगा, मुझे अभी काम चाहिए। अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया और राक्षस से कहा, जाओ खेत में पानी डालो। राक्षस तुरंत गायब हो गया। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि वो व्यस्त रहे। ब्राह्मण शांति से नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी से एक ग्लास पानी लाने को कहा। लेकिन पानी पीने से पहले ही राक्षस वापस आ गया। हो गया पानी, अब और क्या करूं? घबराकर ब्राह्मण के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर गिर गया। पूरा हो गया? हाँ मालिक। ठीक है, अब तुम आराम करो, अब बचा हुआ काम हम लोग कल पूरा करेंगे। नहीं मालिक, मुझे काम चाहिए अभी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा। तब ब्राह्मण कुछ घबराया और सोचा और उस राक्षस से बोला, तो फिर क्यों नहीं तुम खेत जोत लेते हो? इसके लिए तुम्हें पूरी रात लग जाएगी, कल फिर मैं तुम्हें ढेर सारे काम दे दूंगा। राक्षस मान गया और चला गया। फिर ब्राह्मण मन ही मन अपने ऊपर खुश होकर भोजन करने बैठ गया।
देखो भाग्यवान, अब मेरे सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। और अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी थोड़ा मुस्कुराई। अभी ब्राह्मण अपना पहला निवाला खाया ही था कि राक्षस वापस आ गया। माली हो गया सब। अब ब्राह्मण डर गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके पास इतना काम है देने के लिए। ये सब देखकर उसकी पत्नी बोली, सुनिए, क्या मैं उसे कुछ काम दे सकती हूँ? तुम? हाँ ठीक है, लेकिन तुम क्या काम करवाओगी इससे? चिंता मत कीजिए, मैं उसे बता दूंगी। मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। ठीक है, बाहर जाओ और तुम हमारे कुत्ते मोती की पूछ सीधी कर दो। राक्षस तुरंत मान गया और बाहर चला गया। देखो आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले तुम अपने ही काम से मुंह मोड़ते थे, अब राक्षस तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम काम नहीं दोगे तो वो कहता है कि तुम्हें खा जाएगा। क्या चाहते हो? तुम ठीक कहती हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोती की पूछ सीधी करने के बाद हम उसे और क्या काम देंगे? ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने ही उस राक्षस को काम दिया है। वो राक्षस कुछ भी कर ले, मोती की पूछ कभी भी सीधी नहीं कर पाएगा। सच में राक्षस ये मुश्किल काम पूरा नहीं कर पाया। मोती का पूंछ वो जब खींचता था तो सीधा हो जाता था, लेकिन जब छोड़ता था तो वो फिर मुड़ जाता था। भोजन के बाद थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? वादा करो कल से तुम रोज मेहनत करोगे। मैं वादा करता हूँ। इस तरह राक्षस को मुश्किल काम करते हुए छोड़कर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सोने चले गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण खेत जाने के लिए निकल रहा था, उस समय भी राक्षस मोती का पूंछ सीधा करने की कोशिश में लगा था। क्या कर रहे हो राक्षस? जल्दी खत्म करूंगा मारे। जल्दी ये काम खत्म करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारे काम बाकी है। हाँ मालिक। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। ये सब कहकर ब्राह्मण खेत जाने के लिए निकल गया। इसके बाद ब्राह्मण ने कभी आलस नहीं किया। शिक्षा ये है कि खुद की मदद ही सबसे अच्छी मदद होती है।